सुबह कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। कार आ रही है बीच में, यहाँ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक ब्लैक है, एक ब्राउन है और एक वाइट है। इसके अंडे बहुत अच्छे थे, सारे के सारे फर्टाइल थे, लेकिन चूजे तीन जो है वो मुझे लग रहा है शेल में डेड हो गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर जो है वो केज का काम शुरू हो गया है, बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे। अब इसमें क्या रखेंगे ये तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये अभी बनवा रहे हैं, देखें कुछ ना कुछ इसमें भी रखेंगे। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपने ना पेट व्लॉगिंग शुरू कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो घर में होता है एक्टिविटी वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती हूँ। वो पेट व्लॉग्स में तो वो पेट मार्केट जाते हैं, फिर वहाँ से लाते हैं, फिर ऐसे डेली का उनका सिस्टम चलता है। मेरा डेली लाइफ का व्लॉग है, तो उसमें अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है, चाहे अब मैं जानवर ही रख रही हूँ, मुर्गियाँ तो आपको पता है मैं शुरू से ही रखती हूँ, तो वो तो मैं मेरी होती हैं। और बाकी रही बात मतलब कबूतर, वो एक्स्ट्रा कह सकते हैं, वो मैंने रखे हैं। बाकी ऐसे कुछ पेट व्लॉगिंग नहीं है, लेकिन लाइफ में जो जो कुछ हो रहा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता था, बिल्कुल वेस्ट थी ये जगह। छुप छुप के वेल्डर का काम देखा जाता है। क्या करे, वेल्डर को ऐसे देख सकते। अरे देखे चाचा चाचा, चूचू मिट्टी में खेल रहे, ते क्यूट लग रहा है। वैसे तो ऐसे चूजे बड़े हो जाते हैं तो इतना ज्यादा मुझे अट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन जब चूजे छोटे छोटे से होते हैं ना तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और इनका खेल कूद जो ये मतलब मुर्गी के साथ इनका, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करता है। तो फिर मैं जो अट्रैक्ट करता है फिर मैं वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने इस मुर्गी का नाम रख दिया अल्लाह बचाई, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से बची है। और इसके जो बच्चे हैं इसका नाम रख दिया मोजू, फत्तू और बबलू। अच्छा जी, अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता कढ़ाई के साथ। पराठा मुझे अम्मा ने पका के दे दिया, फ्रिज की सफाई चल रही है। अभी सारा सामान इन्होंने निकाला है, धोऊंगी मैं खुद, लेकिन सामान जो है ना वो ये निकाल रहा है, ताकि फिर असेंबल भी मैं रखूंगी भी मैं ही। फिर जो है अभी सारे काम वाम हो रहे हैं घर के, नाश्ता कर लूँ फिर मिलती हूँ। जहरा का पराठा बन गया, मुझसे पराठा खाया नहीं गया, मैंने थोड़ा सा जो है ना ये मुर्गियों के लिए कर दिया। अभी बस मुर्गियों को डालते हैं, चाय मेरी पड़ी है वो पी लूँ। ये जो है खोलता है ना ये दरवाज़ा, बल्कि मैं ही खोल लेती हूँ, है नहीं खुलेगी। बच्चे का जाए चलो। ये मेरे घर की बैक साइड है, यहाँ पर मैंने इनका सिस्टम कर दिया, एक छोटा सा गांव टाइप का मैंने जो है ना वो ये बना दिया है, बिल्कुल देहाती माहौल इनको दे दिया। मुर्गियों के लिए ये माहौल अच्छा होता है इस वजह से। लेकिन अभी मैंने फिलहाल शिफ्ट छत पे कर दी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और बच्चे साथ थे तो थोड़ा सा रिस्की हो रहा था, इस वजह से मैंने मोजू फत्तू बबलू की माँ को ऊपर शिफ्ट कर दिया। और ये मुर्गा जो है वो अब नहीं है हमारे पास। असल में फ़र्स्ट टाइम ये मुर्गा ही बीमार हुआ था और बेचारा भी जवान भी नहीं हो सका। बहुत ख्वाहिश थी मेरी इसको जवान देखने की, मतलब इतना मुझे प्यारा लगता था। इसका मैंने नाम लाखा रखा था, लेकिन ये है कि अब ये नहीं है हमारे साथ। मुझे सबसे ज़्यादा जो इतने दिन व्लॉग्स भी नहीं आए, सबसे ज़्यादा हम कोई भी जानवर रखते हैं ना तो उससे बेहद मोहब्बत सी हो जाती है, तो इससे भी मुझे बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि ये भी इतने ही छोटे छोटे चूज़े थे। मेरे पिछले व्लॉग्स में ये हैं चार चूज़े थे ये, और ये इतने छोटे छोटे से, ये दो मैंने रोके थे, बाकी मैंने भिजवा दिए थे, अपने ससुर को दे दिए थे। तो बस ये नहीं है अब हमारे साथ, मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैंने काफ़ी कोशिशें की, बहुत सारे इलाज पूछे इधर उधर से, बहुत सारे इलाज किए, लेकिन ये मतलब इसकी ज़िंदगी नहीं थी। मैंने सोचा था कि इसको जो है वो सुबह डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ, जब तक तो ये बच ही नहीं पाया।
और चलता फिरता ही गया है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बैठ गया था टांगों से या कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ एक नज़ला जुकाम से ही जो है ना ये मेरा मुर्गा नहीं बचा। टाइम से धुला नहीं था, इतना गंदा हो रहा था। हट थोड़ा सा इधर हो, दिखा ये देखिए इतना गंदा हो रहा है। तब थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते थे लेकिन ऐसे प्रॉपर इसकी सफाई हुई नहीं है, अभी कर रहे हैं। फ्रिज को अच्छी तरह से ड्राई मैंने खुद कर लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसमें करंट भी आ सकता है। साफ हो गया, ड्राई भी कर दिया मैंने और जो है ना बाबू बच्चा बन गया ही है, तो बस अब सामान रखती हूँ। हेल्पर्स जो हैं हमारी हेल्प कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर जो काम है वो हम ज़्यादा खुद से सही से कर सकते हैं, वो ये इनसे मतलब ये सेटिंग नहीं हो पाती इस वजह से सारी सेटिंग और सब चीज़ें रखना। मसाले ये रख रहे हैं, हर चीज़ का सेटअप, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कौन सी फेंकनी है, कौन सी रखनी है, कौन सी ख़राब है, ये इतना ज़्यादा इन लोगों को नहीं पता होता, तो वो चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। और ड्राई करने का भी खुद ही करना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये काम वाले हैं तो इनको इतना ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये मतलब करंट आ जाएगा और इनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बस ऐसे कर दी है मैंने और ऐसे कितनी स्पेस हो गई है। हाँ जी, नहीं वो फेंको, जो कचरा था वो सब गंद वंद सब निकल गया, तो अब फ्रिज को कर लेते हैं ऑन। की क्लीनिंग डन, अब जो है मैं भी नहा धो के बाबू बच्चा बन के आ जाती हूँ, अभी बहुत गंदा हुलिया हो रहा है जी। सारे काम हो गए, चाय पक गई है हमारी और अभी जा रहे हैं ऊपर छत पे, थोड़ा सा कबूतरों को देखते हैं। पानी वानी दे दिया है? नहीं, पानी देते हैं चल के, है ना, पौधों को पानी देते हैं और छत की कोई सूरत हाल भी देखते हैं। गाड़ी की भी सारी सफाई हो गई, केज बनते हुए दिखाया था, केज बन ऐसा गया, आए हाय जगह ही नहीं है, ऐसा बन गया केज, ऐसा पूरा केज तैयार हो गया। पता नहीं अजगर ने इसमें क्या रखना है, इसका मुझे पता नहीं है। बाकी ऐसे हाफ ऊपर भी है, ये हाफ सोच रही हूँ मैं कुछ इसका कर लूंगी, और ये ईंटें भी लाके रखी, पता नहीं इसका भी क्या करेंगे। और ये गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, हर दफा आप देख रहे होंगे बहुत ही गंदी हो रही थी, अब धोइए, है ना। आ जा छत पे, वाइपर लेके आ जा। गोपाटे की दादी क्या होती है, आ जा आ जा। चले जी पहुंच गए हैं छत पे, दो दो सीढ़ियां चढ़ू, आए थक जाती हूँ। कबूतर्स, हाउ आर यू? माशाल्लाह हमारी कबूतरी ने अंडा दे दिया है, सही है जी, दिख रहा है? हाँ। चलो गुड है, आ जाओ। मौसम बहुत गर्म हो रहा है, नहीं बोल सकते धांसू किस्म का हो रहा है, हवा नहीं है, गर्म है, अच्छा अच्छा फीलिंग नहीं है। बड़े कपड़े धुल गए, देख रहे हैं ये। ओ भाई अंधा हो गया भाई, आस्ते चलाओ, ये देख रहे नहीं खुपरता, सारा दिन पूरा कैमरे को पानी डाल दिया भाई। लेकिन शॉट अच्छा है। सारी सफाई होके ये लोगों ने खाना भी खा लिया, खाना हमने इसका डाल दिया। तोते को बेचारे को देख लें, इसको दादा ने दे नहीं। हाँ, इसको भी दाना दे दो। बिल्कुल हमने बिल्कुल कॉर्नर में किया है, किसी वक्त मेरे जहन से भूल जाता है, भले एक ही है और छोटा सा पैरेट है लेकिन जान तो है ना, तो इस वजह से। अब इसका पानी वानी चेंज करो। देखो मैंने मेरी वीडियो पैगाम पहुंच गया है कैसर तक, उसने जो है ना आज कहा चलो टंकी के नीचे से भी सफाई कर दे, हैं ऐसे ही है जी जी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो सही है किसी गरीब को दे दे। हाँ दे दो। हाँ। जो कलर में जो तुम्हारी शर्ट का और पीछे पिंजरे का कलर मैच कर रहा, अगर आपकी एक चीज अच्छी बन जाए तो आपको एक नजर के टीके की जरूरत पड़ती है, तो वो नजर के टीका जो है ना ये लग गया है। है कैसर, ऐसी बात है, सही बात है, असल में पानी भर गया है ना। हाँ। परिंदे सारे भीग जाएंगे। हाँ। इस मारे बनाया ये गया, ये पानी अंदर भरा रहेगा तो फूल निकलेंगे। हैं इतने ढलान में सारा पानी भरी दिखता है। अच्छा अच्छा, ढलान की वजह से ये वाला भी हमने बना दिया। वैसे तो उसके आगे गमले आएंगे, मैं तो ऐसे एज ए फन बात कर रही थी।